पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स के किरदार को उजागर करना और हुकूक का तहफ्फुज़ करना है। कराची शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। सिंध रेस्क्यू टीम 1122 के हेडक्वार्टर में आग में फंसे लोगों को बचाने वाले फायर फाइटर्स के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। डीजी सिंध रेस्क्यू टीम 1122 डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहादुर फायर फाइटर्स को सलाम पेश करते हैं। फायर फाइटर्स पूरी दुनिया में हीरो कंसीडर होते हैं और हमारे पास भी ये रियल हीरोज हैं जो अपनी जान जोखों पर डालकर इंसानों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। सिंध रेस्क्यू टीम 1122 के बहादुरों ने कहा कि जिंदगी की परवाह किए बगैर हम दूसरों के लिए भड़कती आग में कूद जाने वाले असल हीरो हैं। वो अपनी जानों को खतरे में डालकर फायर फाइटिंग करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आग से लड़ना मुमकिन बात नहीं है, आसान बात नहीं है। ये फायर फाइटर उस जगह जाते हैं जहाँ से आम लोग डर के बाहर निकल रहे होते हैं। याद रहे कि हिफाजती उसूलों से लापरवाही और तरबियत की कमी इन हादसात को जन्म देती हैं। बाज़ औक़ात एक शख्स की बेएहतियाती का खमियाजा दर्जनों लोगों को अदा करना पड़ता है। अपनी जान झोंकों में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाना फायर फाइटर्स की जिम्मेदारी है, जिसके लिए पूरी दुनिया में 4 मई को आलमी दिन मनाया जाता है। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ शाजिब हुसैन, आज न्यूज़, कराची।